रोटी जो है देसी तरीके से ऐसे बनती है। देखो ये, देखो ये आटा है, ये ऐसे, ये बिल्कुल घरेलू तरीका है। ये देखो ये बन रही है। ऐसे बनते हैं, देखिए ऐसे, ये ऐसे। और ये पहाड़ी लंगड़ा आम है। आपको दिल्ली में आपने सुना होगा दशहरी, दशहरी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दशहरी मैंने भी खाया है, उससे मतलब उसका लंगड़ा से कोई मुकाबला ही नहीं है। लंगड़ा आम अगर आपको चाहे वो पहाड़ी हो या प्लेन का हो, उसका स्वाद का मुकाबला कोई आम नहीं कर सकता जिसने खाया है। दिल्ली में मैं बहुत साल रहा हूँ और मैंने देखा है लंगड़ा आम गला पचा हुआ, ऊपर से सिकुड़ा हुआ, पूरा धड़ल्ले से बिकता है। लेकिन अगर ये आम जो बिल्कुल पेड़ से तोड़ा हुआ जैसा दिखता है, और पेड़ से तोड़ा हुआ ही रहता है, हरा रहता है, हरा का मतलब इस, और पीला भी नहीं है ये, स्पेशली इसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे ये लगे कि कार्बाइड से पकाया हुआ है। बिल्कुल इसमें बहुत कई सारे कच्चे हैं, लेकिन ये एक दिन के अंदर पक जाएगा। ये मार्केट में मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, ये कच्चा था और इसका कोई भी नहीं ले रहा है। जो इसको जानता है एक्चुअल में वही इसको ले सकता है। ये बिल्कुल पेड़ से तोड़ा हुआ आम है और ये बॉक्स में से कच्चा निकल के फिर ये अपने आप पकता है, और जो कार्बाइड से पका हुआ है ऊपर से सिकुड़ जाता है छिलका, तो इसलिए ये आम, देखिए ये देखिए ये है असली पेड़ का तोड़ा हुआ जो अपने आप पकता है। समझ लो वो समय पूरा होने के बाद तोड़ा गया है। तो लंगड़ा आम आज का इंतजाम है किचन का, आपने देख ही लिया। और इधर रोटी बन रही है, ये पहाड़ी लंगड़ा है। पहाड़ी लंगड़ा मींस इसका साइज छोटा होता है, और इसको आपको बेसिकली मालदा के नाम से पॉपुलर है, ये ज़्यादातर यूपी बिहार में मालदा के नाम से, वहाँ ये इस आम को छोड़ के दूसरा आम तो कोई लेता ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है। तो ये पहाड़ी लंगड़ा कब है क्योंकि साइज छोटा है इसका। और जिस दिन असली मालदा कोई भी दिल्ली का लोग खा लिया, यानी कि मालदा जो यहाँ पे मिलता है वो असली मालदा नहीं होता है, वो जो होता है डायरेक्ट गुठली को फेंक दिया जाता है, उससे पेड़ निकलता है, वो वाला ज़्यादातर मालदा जो कि उसमें डुप्लीकेसी होता है, एक्चुअल स्वाद नहीं आता है उसमें। जो कलम से बना हुआ पेड़ होता है वो एक्चुअल होता है मालदा का कॉपी, सेम टू सेम। तो वो जिस दिन खा लेगा उस दिन दशहरी भूल जाएगा। दशहरी तो मैं देखा, आज तक मैं ख़रीदता नहीं हूँ ऐसा आम हमारे यहाँ, मतलब कि उसका 50% रेट में भी कोई ख़रीदेगा नहीं। जिस तरीके से ऊपर से छिलका सिकुड़ा हुआ और धड़ल्ले से लोग भर भर के ले जाते हैं, जैसे कि और किसी भी तरीके का कोई आम ही नहीं देखा, और इस तरीके से दशहरी के पीछे टूट पड़ते हैं। और उससे बेस्ट आम जो होता है, अगर कोई ले आता है, कोई एक भी जो ले आया था, ये उसने ये बात बोला कि ये ला के मैं ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे इसको पहचानते हैं कि नहीं, कोई मार्केट में जानते हैं कि नहीं, तो इसको कोई नहीं लेता है क्योंकि कभी खाया नहीं है, टेस्ट नहीं जानता है। नहीं तो मालदा के स्वाद का मुकाबला कहीं भी नहीं है। मैं बहुत शहर का बहुत तरह का आम खा चुका हूँ। अब आलू फ्राई बनाने की प्रक्रिया है ये, जिसमें कोई मसाला नहीं होता है, बिल्कुल देखिए जैसे बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल पतला है, देखिए एकदम पत्ती जैसा, ये देखिए आलू फ्राई, ये है आलू और ये
आलू फ्राई के लिए काटा जा रहा है। ये मिर्च है और ये देखिए, ये बिल्कुल आलू का बिल्कुल पतला पत्ती जैसा आलू फ्राई बनाने के लिए। कोई मसाला का यूज नहीं है। अगर आपको पचफोरना है तो वो आप रख लीजिए, उसके अलावा सरसों तेल के अलावा कुछ नहीं लगेगा। ये हरी मिर्च डाल दिया गया है और इसमें पचफोरना नहीं है, आप पचफोरना भी डाल सकते हैं। इसमें प्याज नहीं डालना है, नहीं तो ये आलू फ्राई जिसको भुजिया बोलते हैं, देसी भुजिया, खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल डाल दिया गया है, अब इसको फ्राई करना है। इसमें अब हल्दी नमक रह गया है डालना बाकी। फ्राई होने के बाद 50% फ्राई होने के बाद इसमें हल्दी नमक डलेगा, तब एग्जैक्ट अंदाज़ा मिलेगा कि हमें कितना हल्दी नमक डालना है। अब ये बिना हल्दी के सरसों से इन्हें ऐसा दिख रहा है। इसमें अभी थोड़ा सा हल्दी हमने डाल दिया है, देखिए। नमक, नमक भी डाल दिया है। सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, इससे लग रहा है कि मेरा नाक अभी ठीक है, क्योंकि कोरोना जब से चल रहा है तब से मुझे पता ही नहीं चल रहा है किसी चीज़ का स्मेल। तो कोरोना के बाद आज काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तो इससे ये भी टेस्ट हो गया कि हमारा जो स्मेल करने का पावर है वो बिल्कुल ठीक है। बहुत दिनों से कंफ्यूज था कि मुझे किसी चीज़ की स्मेल क्यों नहीं आ रही है। 15 मिनट फ्राई करने के बाद जो ये हमने हल्दी नमक डाला है, तो अभी इसका फ्राई करने के बाद ये पोजीशन है। थोड़ा सा और ज़्यादा करें, थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए, तब इसका खाने का मज़ा अलग है। जाना मत भाई, अभी क्या थाली कैसे सजेगा, उसमें क्या खाऊंगा। काफ़ी दिनों के बाद मार्केट का खा के छोले भटूरे और क्या बोलते हैं उसको, छोले चावल और राजमा चावल कहीं बिक भी नहीं रहा है कोरोना में, तो मार्केट का ये सब राजमा चावल ये सब खा के अब थोड़ा देसी खाना घर का खाएंगे, सिंपल सा बना के। तो अभी तब तक बन रहा है, तब तक सब्सक्राइब कर लो। अरे भाई, ये तो बहुत ही सुगंधित भुजिया बनकर तैयार है, थोड़ा कुरकुरा भी हो गया है। तो अभी इसको रोकते हैं और अब खाने का इंतज़ाम करते हैं। रोटी भी बनकर तैयार है और इसमें घी थोड़ा सा हल्का हल्का लगा दिया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रहा जो ज़्यादा घी या ज़्यादा दूध पी सकते हैं, सब कुछ मिलावटी है। तो क्योंकि ये घर का बना हुआ घी है, तो फिर भी हमने हल्का ही लगाया है। देखो, ये आम तैयार है, आप देख सकते हैं। ये है जो मैंने लंगड़ा आम बताया, वो है ये, देखिए बिल्कुल पका हुआ ज़्यादा नहीं है पर बिल्कुल बर्फी जैसा, लेकिन इतना मीठा। मीठा होने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल मीठा, मतलब स्वाद खा के आदमी मंत्र मुग्ध हो जाए, वो मीठा का मतलब। तो दशहरी भी मीठा होता है, लेकिन जो एक्चुअल स्वाद का मज़ा है वो इसी आम में है। और ये है, ये देखिए, ये थाली। आज ऑफिस में एक पिज़्ज़ा लेके आया था 399 का, मीडियम साइज़ वाला, और उसमें 60 रुपये का डिलीवरी चार्ज लगा दिया। अब बताओ, 460 रुपये का दो लोग खा सकते हैं, मुझे उसमें कुछ भी नहीं लगा ऐसा। आजकल जैसे जो मिलावटी दूध आ रहे हैं मार्केट में,
मिलावटी दूध जो कि दुनिया के किसी भी मशीन टेस्ट में पास हो जा रहा है, एक्चुअल जो परसेंट जितना चाहिए वो आ रहा है, ऐसा दूध बना दिया जा रहा है। आप यही से सोच सकते हैं ऐसे वक्त में इतना सिंपल सादा और इससे स्वादिष्ट खाना तो पिज़्ज़ा तो कहीं से भी नहीं। पिज़्ज़ा एक बार आपको कभी नहीं खाया है तो कोई खा ले, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि 460 का एक पैकेट है या 250 का या 270 का, जिसमें जो सबसे छोटे साइज़ का है। तो मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा कोई खाना नहीं है। आज मैं कई दिनों के बाद मार्केट का खा के रेडी किया है, तो आप देख सकते हैं, और मैं पहले भी खा चुका हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि इतना अच्छा स्वाद होता है इस खाने का और इस आम का। सब्सक्राइब करते रहिए और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ और भी हमारे इंडियन लाइफ के और कई रंग हम लोग कैसे फेस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।